स्वागत है आप सभी का। चाइना से आपका दोस्त रिपोर्ट कर रहा है। जैसे आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस पूरे चाइना में फैलता जा रहा है और पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, और आप जैसे देख ही रहे हैं पूरी सड़कें सुनसान हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सबको भय और डर सताया जा रहा है कि हमें भी कोरोना वायरस ना हो जाए। और यहीं से हमारे हिंदुस्तान का एक MBBS डॉक्टर जो ट्रेनी अपनी इंटर्नशिप आखिरी छठे साल में पूरी कर ही रहा था कि वो रिसेंटली हिंदुस्तान आया, और वहाँ पर उसको कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए और अब वो हिसार में सरकारी अस्पताल में एडमिट है। वैसे तो वो हांसी का रहने वाला है जिसका नाम मोहन है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि मुझे खांसी, दर्द भरी खांसी और कभी कभी बुखार आ जाता है, कभी कभी उतर जाता है, ये उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया है। रैपिड एक्शन कमेटी की डॉक्टर जया गोयल ने यह भी बताया है कि मोहन का सैंपल नई दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में भेज दिया गया है, जहां से रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है और तभी साबित हो पाएगा कि मोहन को कोरोना वायरस है या नहीं। और उस समय तक उनको सामान्य बुखार की दवाइयां दी जा रही हैं ताकि उनको थोड़ा आराम हो पाए, और साथ ही साथ उनके आइसोलेशन वार्ड के बाहर नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये कोरोना वायरस का आइसोलेशन वार्ड है, ताकि हॉस्पिटल स्टाफ थोड़ा अलर्ट रहे और सावधानियां बरती जा सकें। और उनके परिवार वालों को भी बता दिया गया है कि आप प्लीज़ सावधानी बरतिए, थोड़ा दूरी बनाए रखें पेशेंट से, ताकि ये बीमारी और लोगों को ना फैले अगर साबित हो जाता है तो। तो हम तो बस आशा करेंगे कि जो रिपोर्ट आए नई दिल्ली से 2-3 दिनों में, उसमें उनको कोरोना वायरस ना हो, और हम दुआ करेंगे कि हमारा नंबर वन हरियाणा बचा रहे इस बीमारी से, और ताकि इस देश को भी खतरे से बचा रहने में सहयोग मिले। और आप सभी अपना ध्यान रखिए और अननेसेसरी ट्रैवल मत कीजिए कहीं पर भी, हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर स्पेशली। तो अगर ज़रूरी हो तभी आप ट्रैवल कीजिए, और सैनिटाइजर्स का उपयोग कीजिए, हाथ ज़रूर धोइए कहीं पे भी पब्लिक प्लेस से आने के बाद, और प्लीज़ बी हेल्दी, बी सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।